खनियादाना थाना क्षेत्र में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। सारे नियमों को ताक पर रखकर कर रहे हैं अवैध रेत का कारोबार और सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं, जिसकी सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी। जब तक पुलिस पहुंचती थी तब तक रेत माफिया रफू चक्कर हो जाते थे। पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और आज खनियादाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दुबिया तालाब के पीछे जालमपुर में एक स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध उत्खनन कर रेत का परिवहन कर रहा है। खनियादाना थाना प्रभारी धनेंद्र सिंह भदौरिया ने देर ना करते हुए मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश दी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली में चालक के पकड़ कर एक थर थाना लाया गया और मामला दर्ज कर लिया गया। चालक ने पूछताछ में बताया कि मैं तो ड्राइवर हूं और ट्रैक्टर मालिक ब्रजेश शर्मा का बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खनियादाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। रेत का उत्खनन करते हुए ट्रैक्टर पकड़ा, क्या हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर अवैध शराब, अवैध जुआ सट्टा और अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत धुविया तालाब की तरफ से एक स्वराज ट्रैक्टर आने की सूचना थी, जो अवैध रूप से रेत को ला रहा है खनिया थाना की तरफ और जिसके पास रॉयल्टी नहीं है। सूचना की तस्दीक पर मैंने ASI प्रकाश कौरव और आरक्षक सतवीर इनको तस्दीक के लिए भेजा, तो उसमें से ट्रैक्टर पर से एक आदमी जो बैठा था वो कूद के भाग गया और दातार यादव जो उसे चला रहा था उसको पकड़ा। जब उससे उसकी रॉयल्टी और संबंधित कागज मांगे तो वो नहीं बता पाया, तो जब वो नहीं बता पाया तो उसे 379 IPC और खनिज धारा 27(1) और 4(a) में ट्रैक्टर को जब्त किया है और जब्त करके विधिवत जो कार्रवाई होती है वो की है। मालिक का पता चला है क्या, कौन है मालिक? आरोपी है ब्रजेश शर्मा, ये खनियादाना के।